जिस वक्त गांव में यह झड़प शुरू हुई थी उस वक्त शाम के 6 बज रहे थे और लोग जो घर में महिलाएं हैं अपने घरों में खाना ही बना रहे थे। ये देखिए कि इन्हें बर्तन भी हटाने का समय नहीं मिला, जो खाना बन रहा था अधपका खाना आप देख सकते हैं किस तरीके से चूल्हे पे अभी तक पड़ा हुआ है, क्योंकि इन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला था। किसी तरीके से जब हमला हुआ और लोगों की भीड़ देखते हुए लगातार फायरिंग जो हो रही थी उसके बाद किसी तरीके से सभी महिलाएं, पुरुष और बच्चे जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भागे थे और इन्हें जब कुछ जो हटने का मौका नहीं मिला था और जिस तरीके से देखिए अब जो खाना बना था बन यहीं रह गया, किसी तरीके से बस जान बच जाए यही इनके दिमाग में था और उसके बाद ही भाग रहे थे। जो हमलावर है उनको बताया जा रहा है कि उनकी संख्या 100 के करीब में थी और उनमें ज़्यादातर जो पड़ोस के जो टोले हैं वहीं के लोग रहने वाले थे, जो पासवान जाति से आते हैं वही लोग यहाँ पे थे और उन्हीं लोगों के द्वारा जो झड़प जो चल रही थी पहले से विवाद में उसी में पहले भी बताया जा रहा है कि इससे पहले भी 5 साल पहले यहाँ पे हमला हुआ था लेकिन तब मामला इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था और उसके बाद पुलिस ने पंचायती कराई थी फिर मामला सुलझ गया था, लेकिन कल जिस तरीके से यहाँ पे वारदात हुई है उसके बाद अब यहाँ पे प्रशासन के कैंप पहुँची है और जो लोग हैं वो भी काफ़ी दहशत में हैं क्योंकि खुद तो निकल गए थे लेकिन जानवरों को यहाँ से नहीं निकाल पाए थे और जिनकी मौत हुई है। करीब 35 घरों को आइडेंटिफाई किया गया है जो जल चुके हैं। इसके अलावा करीब यहाँ पे 80 परिवार रहते थे जो किसी तरीके से जान बचा के भागे हैं, लेकिन जब काफ़ी गोलीबारी होने लगी और डायल 112 की जब गाड़ी यहाँ पहुँची तो पुलिस पर भी इन लोगों ने जो हमलावर थे उन्होंने फायरिंग की है और किसी तरीके से पुलिस ने जब कंट्रोल को खबर किया और अतिरिक्त जब फोर्स आया है यहाँ पे उसके बाद स्थिति को जो हमलावर थे वो यहाँ से भागे। बताया जा रहा है कि देखिए किस तरीके से जो बकरियाँ हैं जो मवेशी हैं जो झोपड़ी में बंधे हुए थे वो उसी तरीके से, क्योंकि जान बचाने के लिए लोग यहाँ से खुद तो निकल कर भाग गए लेकिन जानवरों को नहीं बचा पाए थे और किसी तरीके से भाग कर उन्होंने जो बगीचा है वहाँ जाकर अपनी जान बचाई थी। जो पुरुष सदस्य हैं जो महिला सदस्य किसी तरीके से बच्चों को लेकर यहाँ से भागी थी और जिसका नतीजा है ये तस्वीरें आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं जो दैदौल है नवादा में पड़ता है और यहाँ पे मुफस्सिल थाना में पड़ता है ये, क्योंकि शहर से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, लेकिन जिस तरीके की पूरी वारदात यहाँ पे अंजाम दी गई थी उसके बाद हर कोई यहाँ पे दहशत में है क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी वारदात यहाँ पे हो जाएगी और इस तरीके से यहाँ पे हो रहा। फिलहाल प्रशासन की टीम मौके पे मौजूद है और एक बार फिर से सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से प्रशासन के लोग आज यहाँ पे पहुँचे हैं, जिस तरीके से ग्रामीणों को शिकायत थी कि काफ़ी लंबे अरसे से विवाद चला आ रहा था क्योंकि इन्हें जो सरकार की तरफ से जो था पर्चा मिला था ये पूरा टोपोलैंड जो है वो सरकारी है जिसकी रैयत सरकारी है और उसके बाद यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो उनकी नज़र इस ज़मीन पर थी और जो सर्वे का काम बिहार में हो रहा है वो भी इससे जोड़ के देखा जा सकता है क्योंकि सर्वे के दौरान जहाँ पे जो ज़मीन है जो रैयत पर जिनका कब्जा होता है उनको वहाँ बासिंदा माना जा रहा है और यही बड़ा कारण है कि एक बार फिर से जब सर्वे का काम शुरू हुआ तो यहाँ पे जो बगल के जो गांव के जो दबंग लोग हैं वो चाहते थे कि किसी तरीके से इन्हें भगा दिया जाए और उसके बाद इनका यहाँ कब्जा हो और इसी कब्जे की लड़ाई में इतनी बड़ी वारदात को यहाँ पे अंजाम दिया गया है। कल जो देखे वही कहे देखे वो जो पीपल के गाछ झलक रहा है वहाँ पर उस सब का करीब लगभग 150 आदमी वहाँ पर जमा हुआ है। हम लोग 4-5 को यहाँ पर बैठा था गलबात कर रहे थे, जिसे अखने खटिया पर गलबात कर रहे हैं वैसे गलबात कर रहे हैं और उन लोग वैसे देखा कर बजरंग बली से देखेल कर अब एक लाठी से डिंगाने लगा पेट्रोल छिट छिट के जलाने लगा। तो हम लोग राइफल तो चलने लगा तो कोई ठेक बे ठेकान राइफल चला। तो कौन लोग था वो लोग जो कर रहा था? नंदू पासवान आज कल कहते कहते दिन अनारे से बहुत है रोक लिया। नंदू पासवान है, पानू पासवान है, सनमन पासवान है, फेकन पासवान है, मुनी पासवान है, जमुना चौहान है, रमसी यादव है, रहु थाना के आपको है चौहान उन लोग है। विवाद चल रहा था पहले कैसे लगा हुआ है ये जमीन को बारे में? जमीन क्या सरकारी है? नवाद बिहार सरकार है। आप लोग कितना दिन से यहाँ रह रहे हैं? हम पढ़ल लिखल है नहीं के बता दो जी। हम लोग का यही उम्र 70 साल हो गया है। 70 साल तो हम लोग जब से जमीन की जोत जोत खा रहे हैं। बापे दादा जो ले पुरखाने हमार जोतले तो हमहू बूढ़ा हो गलियो जोतते जोतते तो को हमरा जमीन है तब बहन तो तुम देखाबो कागज आ हमरो कागज देखो आ हमने केसुओ बन के उतना बरस 12-14 लाख रुपया हमने बर्बाद कर दिया साला सब ठक ठक के ले लिया वकील मुंशी सब बेमुड़ लिया आ हमने क्या करे अब तो अब आज तक फैसला नहीं दिया तो क्या करे।
फैसले नहीं दिया तब क्या करे। सर्वे के चलते भी कुछ भी बात बड़ा है समझिए रहे कि सर्वे का क्या घिया लगा कि हम इन लोग का भगा देंगे, हम अपने नाम से करवा लेंगे यार। बस यही सर्वे के चलते। हाँ सर्वे का लड़का भागने लगा, गिर गया। गोली अब हम इतना छूटा कि कुछ कहे न। हम आया थे तो खाना यहाँ पर बना रहे थे, भैया का आया था लेके पाया पूरी दिखा के। हम नहीं जानता था कि ऐसा जो होगा घटना हमको। बहुत आदमी रहा था उतना कैसे गिन पाएंगी, अपना जान भागेंगी लेके गिनेंगे। वहाँ पर पहले लगाया तो इधर ने लगे थे यहाँ पहुँच गया, तब भागने लगा। कितना दिन से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? बहुत दिन से रह रहा है, 55 वर्ष बीत गया। बहुत जो हमको बाबू जहंगे पर गुजर गया, बड़ा भैसुर गुजर गए, हमको बड़का भी देखो यही पर लड़का एक हुआ था, इतना गुजर गया हमको परिवार ये पर 3 कुर्सियां नहीं पर गुजर गया। ये लोग चाहते थे कि आप लोग यहां तो भगा दें, ये लोग वाला हर जन लोग के भगा देंगे, हम लोग जोतेंगे कोड़ेंगे खाएंगे। हर जन हमको रहे की व्यवस्था नहीं है सर, हम कहां पर बचक लेके जाएंगे, कहां पर हम लोग रहेंगे। रात दिन बच्चे भूखे हैं, बच्चे पढ़ाए अभी तक ले। साथ में प्रदोजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम हुआ सर। आप यहीं रहते थे? हाँ यहीं पे थे। क्या हुआ था, कैसे हुआ था? वहाँ यहाँ पे जो हुआ है सर, ये पहले से जमीनी विवाद चल रहा था, जो कि 95 में ऑलरेडी केस चल रहा था, 95 केस है। उसके बाद में इन लोग एक साल पहले भी गोलीबारी किए थे, लेकिन इन लोग केस किए तो इन लोग पढ़े लिखे नहीं होने के कारण कैसे भी भुला उला करके टिप्पा वुपा लेकर करके रफा दफा कर दिया। इस बार क्या किए, कम से कम 100 लोग पेट्रोल राइफल लाठी के साथ यहाँ से घुसे सर। यहाँ से जब इंटर हुए तो वहाँ से आग लगाना शुरू किए, यहाँ से जलाते हुए जा रहे थे जब वहाँ बैठा हुआ था। तो बच्चे लोग जब देखे तो इधर से भागना शुरू किए, भागते भागते जब इधर आए, आने के बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो अब गोली चला रहा, तो वहाँ पे कोई खड़ नहीं सकता है। कम से कम 200 राउंड फायरिंग यहाँ हुआ है लगातार यहाँ पूरा दहशत सा माहौल फैल गया। उसके बाद बच्चे लोग को लेकर के मैं इधर से ले जाकर कर को एक भट्ठे में छोड़ा, तो उन लोग वहाँ से हम प्रशासन को लगातार कॉन्टेक्ट में रहे। फिर यहाँ पे जब 112 आया तो उन लोग फायरिंग करना शुरू कर दिए पुलिस गाड़ी पे, उन लोग वापस चले गए। फिर एसपी सर को फ़ोन किए, एसपी सर जाकर कर को बाहर से रिजर्व फोर्स मंगा कर करके उसके बाद फिर भेजे, तो सारा आदमी इकट्ठा हुआ जब तक यहाँ जल कर को खाक हो। कितना मकान जला हुआ है यहाँ? यहाँ गिनती के आधार पर अभी 35 घर जला है सर। कितना परिवार रहता है यहाँ पे? कम से कम मान के चलिए तो यहाँ 60 परिवार रहता है, 60 से 70 परिवार। ये सभी मानी जाती है? हाँ सर। जो लोग हैं वो लोग कौन हैं, जो करने वाला कौन? यहाँ पे जो लोग रहने, देखिए 3 कास्ट के हैं, एक पासवान है, दूसरा चौहान है, तीसरा आकर के जादव है। ये लोग क्या है, भू माफिया है। ये लोग को है लड़ाई झगड़े का जमीन को खरीदना, कमजोर लोगों खाली करवाना और अच्छे खासे पैसे में जमीन को बेच कर को मुनाफा कमाना, इनका ये व्यवहार है। इसमें मिली भगत रहता है जो कि सीओ और कर्मचारी भी रहते हैं। हम फिलहाल अभी का नहीं कर रहे, जो पूर्व में किया गया है इनके साथ में उनको मैं बता रहा हूँ। इसमें जांच की विषय है, जांच कर कर को जो सीओ गलत किए हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए, कर्मचारी के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए, ताकि आगे आदमी सुरक्षित रहे। और यह हुआ है जो मेन कारण है, यह सर्वे के कारण हुआ है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल सर्वे आया है, तो सर्वे का मतलब है कि आपका जमीन कब्जे में है तो उनका आपका सर्वे होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए इन लोग क्या कि सोचे गरीब गुरिया है, लाठी पहना से मार करके गोलीबारी कर करके धमका करके कैसे भी निकाल देंगे, उसके बाद हम आकर करके इसका कब्जा कर लेंगे, उसके बाद इसका मोटिवेशन। इसमें जो नंदू पासवान है जो कहा जा रहा है कि मेन है, जो गिरफ्तार हुआ है, उसकी क्या भूमिका है? मेन देखिए सर क्या है कि वो यही प्राण बिघा कर रहने वाले हैं, ज़्यादा दूर का नहीं है, सब पड़ोसी ही हैं, लेकिन वो पैसे के लालच में आकर के ये गलत काम कर बैठे। उनका काम था कि जमीन को बेचवाना, उनसे मूल माफा कमाना, उनका भू माफिया का वही काम कर रहे थे। आज के डेट में ऐसा हो गया है कि सर सरकार इस पर सही से एक्शन नहीं ले पा रही अपने पदाधिकारी को पर के ऊपर, इसके कारण से ये ऐसा हालत हो रहा है। और ये सर्वे आने के बाद में और इससे भी बुरी हालत हो चुकी है सर। हम यही कहेंगे कि जितना हो सके जल्दी से जल्दी इनका जो मुआवजा है मुआवजा दिया जाए और इनको फिर से रिकन्सेक्शन करके इनको बसाया जाए, और इनका जो भी
मांग है उसको पूरी की जाए, और नहीं तो अगर होता है तो बुलडोजर चला करके जैसे इनको तोड़ फोड़ किया है उनको घर को भी तोड़ा जाए, नहीं तो उनके जमीन घर को और जमीन को नीलाम करके इनको मुआवजा दिया जाए। आप यहीं के हैं? नहीं सर। कहाँ से हैं? बड़ी भी। देखिए पूरा जो घटनाक्रम है यहाँ पे आप देख सकें इस दलित टोले का है, और यहाँ पे जो अब जो ग्रामीण है वो काफ़ी दहशत में है। प्रशासन की टीम यहाँ पे पहुँची है, मौके पे पहुँची है, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, साथ में जो मुआवजा है जो राहत बचाव कर है वो यहाँ देने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। लेकिन जो ग्रामीण है वो काफ़ी दहशत में है क्योंकि घर मकान सारा कुछ इनका जल चुका है, और ऐसी स्थिति में इनकी एक ही मांग है कि इन्हें जो मुआवजा है वो मिले, जो राहत है वो यहाँ पर मिला जाए। और फिलहाल ये पूरा जो दलित टोला है वो धू धू करके कल रात से जल रहा है, और आज भी जो आग की लपटें हैं यहाँ साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। खेल खेला था, और यहाँ पे दबंगों ने यहाँ गांव पे हमला किया, और उसके बाद इस दलित टोला में करीब 80 घरों में आग लगा दिया गया, और यहाँ पर जो उनके घर मकान थे अभी तक जो धुएं हैं वो आप निकल रहे हैं, कई मवेशी जो यहाँ पे मरे हुए हैं, इसके अलावा जो लोग थे किसी तरीके से जान बचाकर यहाँ से भागे, और कई ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई है। उस पूरी घटना को पूरी वारदात को अंजाम देने वाले करीब 100 से ज़्यादा की संख्या में थे, और बताया जा रहा है कि वो सभी बगल के ही टोले के थे जो मादली परिवार के थे, और यहाँ पे ये पूरा सरकारी रैयत है जिसपे वर्षों से ये लोग यहाँ पे अपना घर मकान बना के रह रहे थे। लेकिन दूसरे पक्ष ने यहाँ पे दावा किया, और उसके बाद लगातार धमकियाँ मिल रही थी, लेकिन इसके बाद कल रात अचानक वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे पहले मारपीट किया, फायरिंग किया, और उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से जो है घरों में आग लगा दी गई, इसके बाद पूरे इलाके में यहाँ पे दहशत फैला हुआ है। हालांकि प्रशासन मौके पे पहुंच चुकी थी, और उसके बाद यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें पुलिस बल के यहाँ पे तैनाती की गई है, लेकिन जो ग्रामीण है वो काफ़ी यहाँ पे दहशत में हैं, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरा जो टोला है वो यहाँ पे वीरान है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे थे वो घरों से निकल चुके हैं, और ये लोग स्थानीय जो लोग हैं वो अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस घटना में शामिल पास के जो टोले के हैं नंदू पासवान सहित 10 लोगों को नालंदा से गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें इस पूरी घटना का साजिशकर्ता बताया जा रहा है, और वो लोग ही यहाँ पे कब्जा करने आए थे। फिलहाल प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि भूमि विवाद का मामला है, और जिसके चलते इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन जो भी लोग इसमें शामिल थे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मुख्य साजिशकर्ता जो नंदू पासवान वो भी शामिल है। नवादा के इस गांव में कल रात की घटना के बाद लोग तो दहशत में हैं, लेकिन अब यहां मौके पर डीएम और एसपी खुद यहां पहुंचे हैं, और तुरंत वो ज़मीन जो काफ़ी विवादित थी और जिसको लेकर लगातार यहां पे जो विवाद चला रहा था उसको हल करने की कोशिश की जा रही है। आपको दिखा दें कि ये नदी के खैरो नदी के किनारे का जो ज़मीन है जिस पर जो यहाँ के मांझी समुदाय के लोग हैं उनका कहना है कि इनके पुरखों से यहाँ पर चली आ रही है जो यहाँ पर बसे हुए थे, लेकिन अब जो दूसरे समाज के लोग हैं जो बगल के गाँव के हैं उनका दावा था कि ये ज़मीन उनकी है, और इसी को लेकर टाइटल सूट चल रहा है जो मामला कोर्ट में है, जो वर्षों से चला आ रहा है, 95 से चला आ रहा है, और उसके बाद से विवाद चल रहा था। फिलहाल यहाँ पर जब घटना घटी है उसके बाद डीएम और एसपी खुद मौके पर पहुँचे हैं, और विवादित ज़मीन की नापी से लेकर तमाम चीज़ों को सुलझाने की कोशिश की जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा जो पहल की गई है, जो लोगों को सुरक्षा भावना यहाँ पर जगाने के लिए यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है, इसके अलावा इनके राहत एवं पुनर्वास की भी कोशिश की जा रही है। साथ में जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी उचित होगा मुआवजा देने की जो प्रावधान है उसके तहत इन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, नवादा न्यूज़ 24।